हेलो व्यूबर्स आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में माफ़ कीजिएगा मैं सैटरडे वीडियो लेके नहीं आ पाई बहुत ज़्यादा मुझे काम था तो नहीं हो पाया तो मैंने मैंने कहा करना ही करना है तो आज का जो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जिसपे जो डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में एज एन एविडेंस हम लेके आते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जो शब्द लिखे रहते हैं उसके बारे में बोला गया है कि जो लिखा गया है उसको लेना है या फिर आसपास के जो सकुम एविडेंस है उसको लेकर उस डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन लेना है ये दो बात को ही क्लैरिटी इस जजमेंट में की गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड एज विजय स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही साथ में फिनिक्स भी लीगल अपना ड्राफ्टिंग का कोर्स लेकर आ चुका है जिसमें सिविल क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग दिया जा रहा है साथ साथ में बहुत सारे केस लॉस और फॉर्मैट्स uh, जो लीगल फॉर्मेट्स होते हैं वो भी दिया जा रहा है और अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी फिनिक्स लीगल की तरफ से दी जाती है और इन सारों का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर यह रहती है कि आप ये जो कोर्स है ड्राफ्टिंग कोर्स ये प्री रिकॉर्डेड है अपने आराम से बैठ आप जिसको जब चाहे वो आप लर्निंग कर सकते हो साथ में और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये कोर्स है हमारा ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो हम फाइव नाइन्टी दे रहे हैं लेकिन ऐसो नो नवंबर आएगा तो हम इसका प्राइस हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो अगर आप चाहें तो उसको अभी से ले सकते हो और इंटर्नशिप की अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो पूरे एक साल तक के लिए ओपन रहता है तो चलिए बिना किसी देर के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए जो केस टाइटल है इसका नाम है कमल किशोर सैगल एंड अदर्स वर्सेस मूर्ति देवी एंड अदर्स सिविल अपील नंबर है नाइन फोर एट टू एव टू थाउजेंड थर्टीन देखिए इस महीने का जितना भी मैंने जजमेंट्स पढ़ा था इन सारा जजमेंट्स का मैंने पीडीएफ कॉपी मैं उसका बना रही हूँ तो जैसे ही ये मंथ खत्म होगा वो उसका लिंक मैं डाल दूंगी ठीक है तो आप जहाँ पर जाकर आप उस जजमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकोगे पर तब तक थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए क्योंकि यू नो थोड़ा सा फेस्टिवल का भी टाइम आ रहा है तो थो थोड़ा साथ ही बिजी हो जाता है और अपना काम भी बहुत रहता है बट uh, ये मेरा ये प्रॉमिस है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ ये महीने का जितना भी जजमेंट जो मैंने बताया था उन सबका पूरा का पूरा जो ये है जजमेंट uh, वो आपका लिंक मैं डाल दूंगी ताकि आप पढ़ सको तो ये भी उसमें आ जाएगा ठीक है डि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कॉल टाइटल तो मैं डाली दूंगी अगर अपने तरह से आप सर्च करके पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो तो इसका ये जो केस था इसका फैक्ट्स क्या था इस इस केस में फैक्ट ज़रूरी होते हैं इस टाइप के केसेस में फैक्ट ज़रूरी होते हैं अगर आप एक जजमेंट को आ, अपने केस में यूज़ करना चाहते हो तो इसका फैक्ट ये रहता है कि एक प्लॉट था स्लिप, सिविल लाइंस में ये डेली का ही केस था आ, पोशन ए एंड पोशन बी था इसमें और यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो एक रास्ता उसमें एक मैप भी बनाया गया था उस सेल डीट पर और उस मैप में एक रास्ता का भी प्रोविज़न बताया गया था ठीक है रास्ता को भी पूरा अच्छी तरह से मार्क आउट किया गया था साथ ही साथ में कुछ जगह छोड़ने की बात भी कही थी एक पंद्रह फुट फिट जगह भी कॉमन पैसेज के लिए छोड़ने की बात कही गई थी ये चीज़ को लेकर जो खरीदार थे उनके बीच में कुछ बाताबूती हो गई बोला गया कि जो पंद्रह फिट जगह है वो एक ने बोला कि पंद्रह फिट जगह मुझे नहीं छोड़ना है क्योंकि ये मेरा यूज़ है ओपन यूज़ के लिए सबके लिए नहीं है करके तो इस बात को लेकर आया और ये बात फिर कोर्ट पर गई ट्रायल कोर्ट से लेकर होते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट पर आई ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा ये अब मैं पढ़ती हूँ एज पर दें बेंच ऑफ जस्टिस मिथल एंड महादेवन द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट लेटेशन ऑफ द रिसाइटल ऑफ द तो कोर्ट ने बोला कि इस पूरे झंझट का जो अगर तोड़ निकलता है तो तोड़ जो सेल डीट है उसमें ही दिया गया है रिसाइटल जो होता है वो जो क्लॉजेज होते हैं सब क्लॉजेज जो होते हैं उसमें दिया गया रिसाइटल के बारे में हमारे ड्राफ्टिंग कोर्स से बताया गया कॉन्ट्रैक्ट कि यह जो सब क्लॉज है उसमें दिया गया है तो क्वेश्चन वॉज वेदर द कॉमन पैसेज इन यूज बाई बोध द पार्टी रेफर टू द एंटायर कॉमन पैसेज फ्रॉम एक्स जेड वन और ओनली एक्स वाई तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था कॉमन पैसेज उसी को लेकर यहाँ पे लड़ाई थी तो ये जो कॉमन पैसेज है इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या एक्स जेड वन कॉमन पैसेज है या एक्स वाई कॉमन पैसेज है और ए प्लेन रीडिंग ऑफ द रिसाइटल्स इन द सेल डिट फॉर पोर्शन ए द कोर्ट नोटेड दैट द रिस्पॉन्ड वपोज टू लिव फिफ्टीन फीट वाइट कॉमन पैसेज फॉर एक्सेस टू पोर्शन बी बट दे ऑल्सो हैड राइट टू यूज द सेम तो जो हम सेल डिट बहुत सारे सेल डिड बी तो जो था उसको अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है जो रिस्पोंडर होता है उसको पंद्रह फिट जगह छोड़ना था किसके लिए बी के लिए ताकि वो अपना वो अपना जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस कर सके ठीक है और बट दे ऑल्सो हैट द राइट टू यूज दिन तो वो पंद्रह फीट वो जगह छोड़, छोड़ना भी था साथ ही साथ में तो वो उस जगह को वो अपने यूज के लिए यूज भी कर सकते हैं ठीक है देयर फॉर बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन द सेव फिफ्टीन फीट वाइड कॉमन पैसेज रेफर्स टू द पैसेज टू बी लिव्ड बाय द प्लेंटिव रिस्पॉन्डेंट मीनिंग देयर बाय द पैसेज माई एक्स बाय ओनली द फर्स इट नो वेट दर्चेज पोर्शन ओवर पोशन बी और टू यूज दैसेज इफ़ एनी एग्जिस्टिंग पोर्शन ऑफ भी ओन बाय द डिफरेंट एपेलेंट तो यहाँ का जो अगर मैं कंफ्यूजन की बात करूँ कि जब अगर पोर्शन है बगल अपना जो साइड का पंद्रह फीट जगह छोड़ता है किस रस के लिए छोड़ रहा है आने जाने का रास्ता के लिए छोड़ रहा है पर यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि क्योंकि वो रास्ता वो छोड़ रहा है अपने जगह का तो वो जगह को यूज़ कर सकता है मतलब तो पीछे का जो प्लॉट है उसको वो यूज़ कर सकता है क्योंकि जो द, 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 लिखा गया था सेल डीट में कि वो उस रास्ता को उसको रास्ता के लिए छोड़ना है और उसको यूज़ भी कर सकता है तो वो जो यूज़ कर सकता है उसको उसका जो इंटरप्रिटेशन जो रिस्पॉन्डेंट ने निकाला था वो ये था कि वो उसमें वो अपना कुछ बना सकता है वहाँ पे वो बात नहीं की गई थी कि अगर हम मैप को देखते हैं तो मैप ने बहुत क्लियर से बताया वहाँ पे कि ये जो है जो मार्क किया गया है ये आने जाने का रास्ता के लिए बनाया किसके लिए बी के लिए बनाया ताकि बी आ जा सके क्योंकि बी का जो प्रॉपर्टी है वो ए के पीछे में है और क्योंकि वो जो जगह है वो लेकिन है तो ए का तो ए उसको यूज़ भी कर सकता है अपने आने जाने के लिए ना कि उस पर कुछ बनाने के लिए ठीक है तो ये इस पर बोला गया तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि डिफाइन किया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिस कॉन्टेस्ट इट सुनिंग मार्क दैट बर्थ लैंग्वेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस द एक्सप्रेशन और लोन नीज टू बी कंसिडर तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं उनका एविडेंस हम जब करवाते हैं तो जब हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं खासकर ये विल के मामले में हो जाता है इवन सेल डीड के मामले भी होता है कि बोला क्या गया है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर जो लिखा गया है बहुत क्लियर कट लिखा गया है ड्राफ्टिंग एकदम क्लियर इसमें की गई है तो जो लिखा गया है उसी को समझने की जरूरत है अगर क्लियर नहीं है तभी हमें यहाँ और वहाँ जाने की जरूरत पड़ती समझने की कोशिश करनी पड़ती लेकिन यहाँ पे तो बहुत क्लियर कट तरीके से लिखा गया है कि क्या होगा किस तरीके से उसको यूज किया जाएगा तो लास्ट पे ने यही गया ओपिनियन दैट द कॉमन पैसेज रेफर टू इन द दो डीड्स एंड द मैप देयर टू इज ओनली इन विद द कॉमन पैसेज विच वपोज टू बी लेफ्ट बाय द परचेजर ओनर ऑफ द पोर्शन ए प्लेट रेस्पॉन्ड फॉर इनग्रेस एंड एग्रेस ऑफ द ओनर्स ऑफ पोर्शन बी एज दे हैव नो अदर वे ऑफ एक्सेस टू द बैटरी लेन और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टू एनी अदर रोड और लेन

है ना वो क्योंकि उसका जो पूरा पॉइंट वहाँ पे बनाया गया था मैप पे बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि वो आने जाने के लिए बनाया गया है और ये बहुत क्लियरिटी से लिखा गया है किसमें सेल डीट्स में लिखा गया तो वही इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए तो आई होप यू बस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल